किसी भी मूवी में बहुत सारे एक्टर्स होते हैं, कुछ मूवीज़ में लीडिंग एक्टर्स लोगों को याद रह जाते हैं, तो कुछ मूवी में कैरेक्टर एक्टर्स बाजी मार जाते हैं, बट कुछ मूवीज़ में ऐसे एक्टर्स लोगों को याद रह जाते हैं जिनका स्क्रीन टाइम प्रेजेंस बाकी एक्टर्स के कंपैरिजन में बहुत कम होता है। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ परफॉर्मेंसेज के बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली परफॉर्मेंस है फारूक शेख इन ये जवानी है दीवानी। ये जवानी है दीवानी रणबीर कपूर की बहुत ही बेहतरीन मूवी है। इस मूवी में फारूक शेख रणबीर कपूर के फादर का रोल प्ले कर रहे हैं। वैसे फारूक शेख के सिर्फ 2 से 3 सीन्स हैं इस मूवी में रणबीर कपूर के साथ, लेकिन वो सीन्स कहानी का बहुत ही एक अहम हिस्सा है, और साथ ही साथ फारूक शेख की परफॉर्मेंस इतनी दमदार है कि वो लोगों को मूवी ख़त्म होने के बाद भी याद रहती है। दूसरी परफॉर्मेंस है रजत कपूर इन स्कैम 1992। स्कैम 1992 से प्रतीक गांधी कितने अच्छे एक्टर है ये तो हम सबको पता था, और जिन लोगों ने ये सीरीज़ देखी है उनको पता होगा कि रजत कपूर की एंट्री जैसी होती है इस सीरीज़ में पूरा शिफ्ट जो होता है वो रजत कपूर की तरफ चला जाता है। इनफैक्ट कुछ सीन्स में रजत कपूर की एक्टिंग प्रतीक गांधी की एक्टिंग से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आती है। तीसरी परफॉर्मेंस है अपारशक्ति खुराना इन दंगल। वैसे दंगल में अपारशक्ति खुराना का जो भी रोल था वो सेकेंड हाफ में स्टार्ट होता है, और इस मूवी में और भी बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जैसे कि आमिर खान और फातिमा सना शेख की एक्टिंग भी बहुत ही दमदार थी इस मूवी में, और इतनी स्ट्रॉन्ग स्टोरी थी और अलग अलग कैरेक्टर्स थे, बट इन सब के बावजूद भी अपार शक्ति खुराना का परफॉर्मेंस लोगों को बहुत याद रहा, उनकी कॉमिक टाइमिंग लोगों को पसंद आई थी, और इसके सहारे ही उनका बॉलीवुड करियर भी चल पड़ा था। चौथी परफॉर्मेंस जो है इट इज़ मोर ऑफ अ कैमियो एंड इट इज़ डन बाय मिस्टर शाहरुख खान इन लक बाय चांस। लक बाय चांस जोया अख्तर की सबसे पहली मूवी थी। शाहरुख खान के अलावा रणबीर कपूर आमिर खान जैसे बड़े बड़े एक्टर्स ने भी इस मूवी में कैमियो किया है, लेकिन शाहरुख खान का जो कैमियो है वो अपने आप में खुद में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सीन है पूरी मूवी के लिए, क्योंकि वो मूवी के जो मेन कैरेक्टर है विक्रम को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइफ लेसन दे जाता है फेम को हैंडल करने के बारे में। पाँचवीं परफॉर्मेंस जो है और मेरी खुद की जो पर्सनल फेवरेट है दैट इज़ डन बाय प्रशांत तिवारी। जब मूवी शूट हुई थी ही वॉज अ चाइल्ड एक्टर बैक देन। मूवी का नाम है नील बटे सन्नाटा और ये मूवी डायरेक्ट की है अश्विनी अय्यर तिवारी ने। इस मूवी की कहानी स्वरा भास्कर और रिया शुक्ला के बारे में है जो एक मदर और डॉटर का रिलेशनशिप दिखाता है। रिया शुक्ला जो स्कूल में पढ़ रही होती है, प्रशांत तिवारी उनके एक फ्रेंड होते हैं, और वो प्रशांत तिवारी स्कूल में बहुत ही शैतानी करते हैं, नटखट बच्चे होते हैं, एक स्टूडेंट होते हैं, और उनके छोटे छोटे सीन्स जो टीचर के साथ होते हैं मिस्टर पंकज तिवारी के साथ वो बहुत ही अच्छे और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही कॉमेडी वाले सीन्स हैं। तो मेरा भी पर्सनल रिकमेंडेशन होगा कि अगर ये मूवी भी आप लोगों ने नहीं देखी है तो मूवी आप ज़रूर देखिए नील बटे सन्नाटा। और इस मूवी के हर एक कैरेक्टर हर एक एक्टर ने अपने आप में बहुत ही खूबसूरत परफॉर्मेंस दिया है, जिसमें से कि एक मिस्टर प्रशांत तिवारी भी हैं। गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। इस वीडियो में मैंने बात की है अबाउट अ फ्यू परफॉर्मेंसेस जहाँ पर छोटे छोटे सीन वाले एक्टर्स ने बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दिया है और वो परफॉर्मेंस लोगों को आज भी याद है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, लाइक करिए, शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।